राम राम साथियों, स्वागत है आपका वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी सभी TET's एग्ज़ाम के लिए, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पैडागोजी का पार्ट 4। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पार्ट 4 में पहला क्वेश्चन, राजू कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुजों में तीन कोणों का योग 180 अंश होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राजू किस अवस्था में है। अब जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत था उसकी सभी अवस्थाएँ, चारों अवस्थाएँ हमें पता होना चाहिए, तो हम चारों अवस्थाओं के बारे में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखते हैं। यहाँ हम पूरा डिस्कस टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी होगी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। सबसे पहली जो अवस्था होती है जिसको संवेदी पेशी अवस्था, मोटर स्टेट बोला जाता है, इसमें बच्चा छूकर, देखकर, सूंघकर ज्ञान को सीखता है, इसे बोला जाता है संवेदी पेशी अवस्था। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था बोला जाता है, और इसमें बालक बहुत ही क्रियाशील और बहुत ऊर्जावान होता है इस अवस्था में। इसके बाद जो अवस्था आती है उसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था को। इस अवस्था में बालक जो ज्ञान सीखता है उसमें क्रम वगैरह सीख जाता है, रंग सीख जाता है, उल्टा सीधा, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है 2 से 5 वर्ष तक। उल्टा सीधा, क्रम, गिनती वगैरह वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इसके बाद वाली अवस्था, मतलब जो ठोस संक्रियात्मक अवस्था आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, उसमें बच्चा क्या सीखता है, जो तर्क है, तर्क करना वो सीख जाता है, तार्किक बातें करना वो सीख जाता है, क्रम वो सारे सीख जाता है, तारीख सीख जाता है, समय सीख जाता है, महीने सीख जाता है, ये सारी चीज़ें बच्चा 5 से 11 वर्ष की जो अवस्था है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में सीख जाता है। और लास्ट आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उनको भी सोचना वो सीख जाता है। और यहाँ भी वही चीज़ है कि त्रिभुज के बारे में तो सीख गया, इससे पहले वाली मूर्त थी जिसमें दिखने वाली सारी चीज़ों में डिफरेंस वो कर सकता है और उनको समझ भी सकता है, सारी चीज़ें वो कर सकता है, तार्किक चिंतन भी कर सकता है, लेकिन जो दिख नहीं रहा है उसके बारे में चीजें नहीं सोच सकता मूर्त अवस्था में। जबकि अमूर्त में क्या है, उसके पीछे छुपी हुई चीजें भी वो सीख लेता है अपने चिंतन के द्वारा। और यहां भी कौन सी चीज है, अमूर्त चिंतन है, मतलब इससे पहले वाली स्टेट, अगर 180 सीखने की बात कर रहा है, बिना दिखी हुई चीजें सीख सकता है, तो वो होगा मूर्त। और मूर्त से पहले कौन सा आएगा, अमूर्त चिंतन, या वो किसमें पहुंच जाएगा, सॉरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाएगा, जहां सिर्फ वो दिखने वाली चीजों को समझ सकता है, बिना दिखने वाली चीजों को नहीं समझ सकता। जिसका जो एज है वो एज का रेंज है 7 से 11 वर्ष का। बढ़ते हैं आगे, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसका आंसर बनेगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग निम्न में से किस में विद्यार्थी की सहायता नहीं करता है। जो अबेकस है, अबेकस का यूज़ 2 चीज़ों के लिए किया जाता है, एक तो गिनती सिखाने के लिए अबेकस का यूज़ किया जाता है, दूसरा जो सबसे अहम यूज़ है, मुख्य यूज़ है, वो किया जाता है जो स्थानीय मान है और जातीय मान है उनके लिए किया जाता है, या इकाई दहाई सिखाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। हर स्टेप, अगला स्टेप उसका 10 गुना हो जाता है, इकाई का 10 गुना, दहाई दहाई का 10 गुना, सैकड़ा सैकड़ा का 10 गुना, 1000 हो जाता है, उस तरह से उसको संख्याएँ सिखाई जाती हैं। अब इसमें क्या है, कहां सहायता नहीं करता, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, बिल्कुल संख्याओं को पढ़ने के लिए करता है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में, ये बिल्कुल ऑड ऑप्शन है, अगला क्या है, गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने में, बिल्कुल स्थानीय मान के महत्व को समझने में, बिल्कुल। तो आंसर कौन सा होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें शब्दों की दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखने में बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ 2, गिनती और संख्याओं के लिए, जाति और स्थानीय मान के लिए। आगे चलेंगे अपन, माकपन की अवस्था को विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों का क्रम बताइए। सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है और ऑर्डर में बढ़ते बढ़ते वो क्या सीखता है, ये अपन को देखना है।
शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयां, क्या सबसे छोटे जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर मानक इकाइयां मीटर किलोमीटर का उपयोग करते हैं मापने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थी मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा गिल्ली डंडा खेलते हैं, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बच्चे करते हैं। तो वो कौन सी इकाइयाँ हैं? अमानक इकाइयाँ हैं। फिर उसके बाद शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। नहीं, मुझे इतना नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ये हो जाएगा सरल अवलोकन। सिर्फ देख कर, नहीं ये नहीं, ये तो कम है, ये तो ज़्यादा है, मुझे चौड़ा ग्लास चाहिए, पतला ग्लास चाहिए, ये हो जाएगा सरल अवलोकन। शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयाँ, ये हाइजेस्ट लेवल होता है मैट्रिक इकाइयाँ। तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सिर्फ अवलोकन करके वो सीखना स्टार्ट करेगा। फिर लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयाँ, बिल्कुल जब वो देख कर कर रहा है। फिर उसके बाद कुछ अमानक, जैसे गिल्ली डंडा खेलने में अमानक इकाई उस डंडे का प्रयोग किया जाता है। खेलते हैं हम, पिच जो बनाई जाती है कदम नाप कर बना लेते हैं, वो भी कैसी इकाई होगी? अमानक, क्योंकि कदम नाप मेजरमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? मानक इकाइयों पर। फिर मेट्रिक इकाइयों पर वो पहुंच जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा? 3, 2, 1, 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आगे। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं व्यवहार में, जीवन में जो उपकरण यूज में ला रहे हैं, उनका उपयोग अगर गणित में किया जाएगा तो क्या होगा? प्राथमिक शिक्षा में क्या होगा? शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ सहायता मिलेगी व्यवहारिक उपकरण का। और शब्दों जो समस्याएं होती हैं उनका कोई भी संबंध सीधे सीधे नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेतुकी बात लग रही है। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए ठीक है, रखते हैं अभी। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मूल गणितीय संकल्पना को समझने के लिए बी ऑप्शन, मानसिक और मौखिक परिकलन बिल्कुल भी पूरी तरह से हम नहीं बोल सकते ये होगा, लेकिन मूल गणितीय संकल्पना जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षक यदि कक्षा में जाएगा तो वो शिक्षण उद्देश्य लेकर जाएगा। तो यहाँ क्या है? मूल गणितीय संकल्पना जो हम समझाना चाहते हैं, चाहे हम पेन लेकर समझाना चाहते हों, चाहे हम अबेकस से समझाना चाहते हों, चाहे फिर हम कुछ वस्तुएं लेकर समझाना चाहते हों, चाहे हम ग्रुप करके समझाना चाहते हों, जो व्यवहारिक उपकरण हैं यही व्यवहारिक उपकरण होते हैं। तो क्या होगा? मूल गणितीय संकल्पना को समझाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों के बीच गिनती के कौशल के विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? क्रमबद्धता, गिनती सीख रहा है तो क्रम बिल्कुल होना चाहिए। संख्या का यादृच्छिक रूप से पढ़ना ठीक है, इसको होल्ड पर रखते हैं। समूह बनाना बिल्कुल, 1 से 10 तक समूह बनाकर सिखाए जाते हैं, फिर 10 से 20 तक सिखाए जाते हैं, 1 से 50 तक सिखाए जाते हैं, 1 से 100 तक सिखाए जाते हैं, फिर सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ इस तरह से बांट कर सिखाए जाते हैं। 1-1 संगतता, 1-1 करेस्पॉन्डेंस, 1 से 2 बिल्कुल क्रम के साथ ये सिखाए जाते हैं, और 1 से 2 को जोड़कर इससे पहले इसके बाद ये सिखाया जाता है। तो क्या बचेगा? संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। कोई भी रैंडम संख्या देना गिनती पढ़ाने में शामिल नहीं होता। क्रमबद्धता गिनती में आती है, समूह भी गिनती में आएंगे, इसके पहले और इसके बाद भी गिनती में आता है, 1-1 करेस्पॉन्डेंस। तो इसका आंसर बनेगा संख्या या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों को त्रुटियों के प्रति प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। ये बिल्कुल ठीक है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना बिल्कुल ठीक है, दोनों व्यवहारिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ये विशेषता में अगर हम कोई नई संकल्पना सिखा रहे हैं और उसमें भी हम कठोरता बरत रहे हैं और समय की, तो वैसा हम नहीं कर सकते। छात्रों के प्रति जो त्रुटियां हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि आपने ये गलती की, और वो समझाकर चलना पड़ता है, उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका आंसर बनेगा एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 पर जब बच्चा पहुंच जाता है, जब बच्चे को गिनती या जो संक्रियाएं हैं संख्या पद्धति हम पढ़ाते हैं, तो उसमें संख्याएं पढ़ाने में 1 अंक 2 अंक और 3 अंक तक ध्यान रखा जाता है। उसके बाद जो ऑर्डर है वो
बढ़ा दिया जाता है, बिल्कुल भी 4, 5, 6 इस तरह से ऑर्डर नहीं बढ़ाया जाता। हाँ, 1, 2, 3 तक ध्यान रखा जाता है, उसके बाद वो फ्री कर दिया जाता है। अब यहाँ बोल रहा है 4 अंक का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं बनता, 6 अंक का बिल्कुल भी कोई मीनिंग नहीं बनता। फिर बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, मतलब सिर्फ संख्याओं को पढ़ लेना, वो भी बड़ी संख्याओं को पढ़ लेना संख्या पद्धति में शामिल हो जाएगा, नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, ये हो जाएगा नंबर सिस्टम 3rd लेवल पर। डाउट हो आपको, आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना डाउट डालें, आपको जो संतुष्टि परक है वो जवाब दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और पाठ योजना जो प्लान किया जा रहा है, योजना बनाई जा रही है, उसमें क्या चीज़ें जरूर होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की अनुक्रम से होना चाहिए? नहीं, पाठ्य पुस्तक में जहाँ से आप पढ़ा रहे हैं गणित में, पिछले से बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अनुक्रम की बात यहाँ पर लेकर चलेंगे अपन। संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है कि हमें जो अवधारणाएं हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रस्तुत करनी चाहिए, प्लस माइनस फिर गुणा फिर भाग, ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। अच्छी संरचना में पहले ये एग्जांपल, उसके बाद ये एग्जांपल, उसके बाद ये एग्जांपल, एक संरचना हमें बनाकर, प्लान हमें बनाकर चलना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन हो सकता है। छात्रों का अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जो मनोवैज्ञानिक हो जाता है वो हो जाता है छात्रों को एक्टिव करना, उनको हमेशा एक्टिव मोड पर रखना कि जिससे वो चिंतन करें और चिंतन करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो इससे सही ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। अगला ऑप्शन क्या है? लेखन गतिविधियों को बिल्कुल भी नहीं है। जब हम मैथ्स में पहुंच जाते हैं तो लेखन गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा या रटने को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे, तो इससे ज़्यादा कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, जिसमें बच्चा अधिक एक्टिव होगा। यही हमारी योजना होगी कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव रहे, वो सबसे ज्यादा काम करे, चिंतन करे। आंसर बनेगा अपना सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में निर्माणवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है? निर्माणवादी का मतलब क्या है? फिर से बच्चा किसमें आएगा? एक्टिव पार्टिसिपेशन में आएगा, वो सोचेगा, वो चिंतन करेगा, वो तर्क देगा, और वहीं से वो क्या होगा, नई चीजों के बारे में, अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, कल्पना करना वो शुरू करेगा, गणित सीखने की तथ्यों के बारे में। तथ्य जहां आ जाएगा हम गणित में उसे हटा देंगे। सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, ये मतलब ऐसा लिया जा रहा है कि कुछ माइथोलॉजी में लिया जा रहा है या फिलॉसफी वगैरह में लिया जा रहा है, सत्य की खोज, परम सत्य क्या होता है, तो ये वो साइकोलॉजी नहीं है। अपन चाइल्ड साइकोलॉजी में चलेंगे। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ कुछ भी नहीं होता, किसी भी चीज़ की पूर्णता नहीं है। विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई समस्या हमारे सामने आने पर हम उसके तमाम हल सोचना शुरू कर देते हैं, और यही गणित है जिसमें हम तमाम हल सोचना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारे विज्ञान ऐसे हैं जिसमें जो हल होता है वो निश्चित होता है, लेकिन गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें तमाम तरीके से जो डेस्टिनेशन है, जो परिणाम हम सोच रहे हैं, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो अपना आंसर बनेगा विजुलाइजेशन, एक समस्या को कई तरीके से सोचना या हल करने के बारे में बात करना। किसी मेले के अवसर पर कक्षा 4 में प्रतिशत के प्रकरण के जो टॉपिक है प्रतिशत, वो अपन को पढ़ाना है और सेल लगी हुई है, परसेंटेज बताना है, तो इस प्रकार की चर्चा कैसी होगी? अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करेगी। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं। फिर कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस बिल्कुल हटाओ इसको, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थी की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। ये प्रोत्साहित करना यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट है उपेक्षा, उपेक्षा पर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो जहाँ पर तर्क और चिंतन की बात आ जाएगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन की आ जाएगी, तो वहाँ आएगा हमारा गणित का सही आंसर। और यहाँ अपना वाद विवाद संबंधी कौशल बिल्कुल होंगे, लेकिन जो गणित का उद्देश्य है वो क्या होता है? तर्क और चिंतन और एक्टिव पार्टिसिपेशन। अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है? जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं ओपन करके दे दिए जाते हैं, बच्चा जिसमें अपने विचार भी डाल देता है, और फिर उसके बाद मूल्यांकन के लिए जब वो टीचर के पास जाते हैं तो टीचर, हर टीचर अपने हिसाब से एक ही प्रश्न में अलग अलग उत्तर, वो मार्क्स वो दे देता है, ये देखने को मिलता है। और सामान्य सी बात होती है, मतलब इस प्रकार का जो प्रश्न होता है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता। वस्तुनिष्ठ होगा तो उसमें बच्चा शामिल नहीं होगा, तो वस्तुनिष्ठता नहीं रहती। लेकिन जब मार्क्स मिलते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, एक ही आंसर के अलग अलग टीचर अलग अलग मार्क्स देते हैं, मतलब उसमें विश्वसनीयता भी क्या हो जाएगी, कम। तो वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता दोनों कम हो जाती है। इस प्रश्न में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। यह प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है, दोनों चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं, उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम बनाते समय मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए? गणित का जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, छात्रों की रुचि का, शिक्षण विधि का, शिक्षा के उद्देश्य का, छात्रों का व्यक्तित्व का। अब अगर शिक्षण किया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्लास में जाकर टीचर पढ़ाएगा, और उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षा के उद्देश्य। जो पाठ्यक्रम भी तैयार कर रहे हैं वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मजे के लिए, रुचि के लिए पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया जाता। सबसे पहला जो बड़ा मोटिव होता है वो होता है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसके बाद रुचि और शिक्षण विधियाँ सभी को शामिल किया जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर होगा उस पर अपन को चलना है, ये दोनों गलत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा सी बनेगा अपना। बढ़ते हैं अपन आगे स्टूडेंट्स। पाइथागोरस प्रमेय को विद्यार्थी को समझाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? बच्चे को अगर पाइथागोरस प्रमेय समझाना है तो सबसे अच्छी जो मेथड्स मानी जाती है वो आगमन विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि, आगमन विधि, वैज्ञानिक विधि बोला जाता है, और आगमन विधि की तरह जैसे इसे खोज विधि बोला जाता है, उसी तरह से प्रयोगशाला में जब बच्चा जो पाइथागोरस प्रमेय है उसे प्रूफ करने के लिए समकोण त्रिभुज बनाएगा और बार बार मेजरमेंट करेगा, तो उसको उसका रिजल्ट ए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हर बार उसे वैसा ही मिलेगा। तो ये भी वैज्ञानिक विधि है, ये भी वैज्ञानिक विधि है। जब आगमन वैज्ञानिक विधि है तो जो वाइस वर्सा जब हम करते हैं, जैसा ये इसके विपरीत वैसा, जैसे एक थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ किया जाता है, जैसे पाइथागोरस की हम बात करें एक तरीके से, आगमन से जब हम हल करेंगे तो उसके लिए स्टेटमेंट अपन बोल देते हैं किसी एक समकोण त्रिभुज है तो उसके लिए होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। फिर अपन लेते हैं अगला स्टेटमेंट, यदि किसी त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? ये दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चन है और इनको एक को आगमन से दूसरे को निगमन से हल किया जाएगा, तो ये दोनों विधि एक दूसरे के अपोजिट हैं। समस्या समाधान विधि में क्या होगा, आपको एक समस्या दी जाएगी और उस समस्या का चिंतन करके हल किया जाएगा, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय तो क्या है, एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट है, निश्चित है, इसमें समस्या समाधान पर हम नहीं जा सकते क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय निश्चित होती है। आगे बढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? अब दो तरीके का शिक्षण मुख्य रूप से, निदानात्मक और उपचारात्मक। जो निदानात्मक शिक्षण है वो किया जाता है जो चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके लिए, निदानात्मक जो शिक्षण है वो किया जाता है। अब जो उपचारात्मक शिक्षण है तब किया जाएगा जब हम निदानात्मक परीक्षण, जो निदानात्मक शिक्षण है वो प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका परीक्षण कर लेंगे, जब वहाँ पर हम सफल होंगे या नहीं होंगे उसके बाद क्या किया जाएगा, उपचारात्मक किया जाएगा। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे हम किसी समस्या के पहले निदान की कोशिश करते हैं, जब निदान नहीं हो पाती तो फिर हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, उपचार की तरफ बढ़ते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों को किस सुझाव से बचना चाहिए? अब किस सुझाव से बचना चाहिए, बड़े बड़े अच्छे ऑप्शंस दे रहा है। पाठ्य पुस्तकों को उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे सामान्यतः बच्चे बोलते और समझते हैं, मतलब जैसे अलग अलग डायलेक्ट में पाठ्य पुस्तक बनाई जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बनाई जाती है। बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए और अभ्यास प्रश्न के लिए पर्याप्त स्थान देना चाहिए। अब एक्सेशन
की बात कर दी है तो बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि एक्सेशन कहीं पर भी नहीं लिया जाता, अत्यधिक कहीं पर भी नहीं लिया जाता, तो इस ऑप्शन को हम एक बार दिमाग में रखेंगे। ठीक है, भाषा और चित्र लिंग और समानता को ध्यान में रखते हुए दिए जा उदाहरण जो हैं वो दिए जाने चाहिए। भाषा और चित्र, जो भाषा हो और वो चित्र हो, वो किसके हिसाब से हो? लिंग और समानता के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो भाषा डाल रहे हैं हम, चित्र डाल रहे हैं, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग दूसरे विषयों की अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए तथा गणित, जिससे गणित की गहराई को समझा जा सके, बिल्कुल सही है ये। तो फिर कहाँ जाएंगे? अत्यधिक वाले पर हम जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। बढ़ेंगे NCF 2005 में दी गई गणित की लंबी आकृति से क्या अभिप्राय है। NCF 2005 अपन अलग से देखेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन पर बात करें, गणित की लंबी आकृति, गणित लंबा कब हो जाता है? जब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ये जब अवधारणाएं कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं किसी बच्चे ने एकदम ज्योमेट्री का बड़ा सा क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चे से बोला जाता है रुको बेटा इसके पहले काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं, जब वो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको ये समझ आएगा। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेल का सृजन करना, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, एक अवधारणा के आधार पर दूसरी अवधारणा का निर्माण करना, मतलब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से लिंग दूसरा, दूसरे से लिंग तीसरा। तो इसलिए गणित की प्रकृति को क्या बोला जाता है? लंबा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, सही उत्तर का उत्पीड़न, मतलब सही उत्तर दिया लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है? उत्पीड़न, परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है? गलत उत्तर में वो काउंट हो गया। समस्या समाधान की विभिन्न विधियों की तुलना करने के लिए छात्रों पर दबाव डालना, सिखाई गई आकलन विधि का प्रयोग एक ही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना, अपन को ये बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा है। फिर समस्या का समाधान करने के लिए कई तरीके सामने रखना तथा विद्यार्थियों को भ्रमित करना, उत्तर से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, विद्यार्थियों को अपना दिमाग प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, ये तो बिल्कुल किया ही जाना चाहिए और इसमें कोई उत्पीड़न नहीं होता, ये स्वतंत्र अवस्था होती है। समस्या समाधान की विभिन्न विधियों की तुलना करने के लिए छात्रों पर दबाव डालना, विधियों की तुलना सही उत्तर में नहीं जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा? सिखाई गई आकलन विधि का प्रयोग करके एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए बच्चे को क्या करना? फोर्स डालना, इसी मेथड से करो और यही आंसर आना चाहिए, करो, इसे बोला जाता है सही उत्तर का उत्पीड़न। टीचर को नहीं पता ज़्यादा मेथड दबाव डाला जा रहा है, मतलब आपको डंडे की दम पर आंसर लाने के लिए मजबूर किया जा रहा होगा, पुराने दिन याद आ रहे होंगे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए प्रादर्श नहीं है? प्रादर्श मतलब दिखने में या जिसको एग्जाम्पल के तौर पर नहीं लिया जाता। आयतन का मतलब होता है ऐसा कुछ भी पदार्थ या वस्तु जो त्रिविमीय में, 3D में स्थान घेरता है। जैसे ये पेन, इसमें मोटाई है, ये अपन पानी में डालेंगे, किसी बर्तन में डालेंगे, अगर वो पानी से पूरा भरा हुआ है तो उससे पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये स्थान घेरेगा वहाँ जाके। तो ये सिंपल तरीका है इसको समझने का, कौन स्थान घेर रहा है और कौन नहीं घेर रहा है। एक गेंद को पानी में डालेंगे, पानी बाहर। एक लोहे की पेटी को पानी में डालेंगे, पानी बाहर। एक कागज़ के टुकड़े को डालेंगे, या तो वो सरफेस पर रहेगा या सीधे सीधे चला भी जाएगा तो भी पानी इतना बाहर नहीं आएगा। अगर उसकी मोटाई को बिल्कुल नगण्य मान लिया जाए तो पानी की टंकी को जब कहीं पर डालेंगे, किसी में डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा? कागज़ का टुकड़ा या एक कागज। बढ़ेंगे आगे, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, अब इसके पीछे बच्चों के लिए कोई तर्क नहीं है, गणित तो बस कठिन है, कैसे भी हो बस ये कठिन है, ये सीखा नहीं जा सकता, ये बच्चों का खेल नहीं है। अब ये धारणा कैसे बन जाती है, क्यों बन जाती है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मजबूरी में भी पढ़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हो आप लोग भी पढ़ना, मजबूरी में भी पढ़ना चाहते हो, पाठ्यपुस्तक की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। पाठ्यपुस्तक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार की जाती है, अध्यापक की योग्यता की वजह से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको योग्य अध्यापक ही पढ़ाने आते हैं, ये आप लेकर चलेंगे। अब ऑप्शन क्या है? इसकी प्रकृति मूर्त अमूर्त है, इसका मतलब क्या है? मूर्त और अमूर्त का, अमूर्त का मतलब ये होगा ये दिखता नहीं है। जैसे आपने बोला आयु का प्रश्न आप कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा है, त्रिभुज का प्रश्न आप कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा है। तो ज़्यादातर चीज़ें कहाँ, किससे, कैसे चलती हैं? विजुअलाइजेशन के फॉर्म में चलती हैं, सिर्फ इमेजिनेशंस में चलती हैं, वो दिखती नहीं है। कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं। तो क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसी है? मूलतः अमूर्त प्रकृति है, इसकी वजह से थोड़ा ये कठिन लगता है।
जैसे एक संख्या को दूसरी संख्या का गुणा करना, वर्ग करना, सभी बिना दिखने वाली प्रोसेस है। एक विद्यार्थी का नए सूत्रों का निर्माण करना, नया सूत्र मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो सोच रहा है, तर्क कर रहा है, क्रिएटिविटी उसके अंदर है, योग्यता नए सूत्रों का निर्माण करने की योग्यता बने हुए सूत्रों का प्रयोग करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अब इसमें समझें, आगमन विधि में क्या होगा, नए सूत्र का निर्माण अपन उदाहरण लेकर कर लेंगे, और निगमन में क्या होगा, सूत्र के आधार पर अपन उदाहरण हल करेंगे। मतलब वो निगमन यूज नहीं करना चाहता, आगमन यूज करना चाहता है, मतलब उसमें क्या है, वैज्ञानिकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है। ऑप्शंस देखते हैं, प्रासंगिक अधिगम है, ठीक है, प्रासंगिक अधिगम, रचनावाद है, रचना मतलब नया करना, कंस्ट्रक्टिव करना, सोचना, तार्किकता लाना, सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल नहीं, दक्षता अधिगम बिल्कुल नहीं, प्रासंगिक बिल्कुल नहीं। आंसर कौन सा होगा, रचनावाद, वो नया करने का इच्छुक है, सोच उसकी सही है। ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चंस, आज के लिए अपन इतना रखेंगे स्टूडेंट्स। और हम लोग जो सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, इस सीरीज़ में भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए और वीडियोज़ बनाए जाएँ और टॉपिक्स के बनाए जाएं, तो वो आपको बनाकर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।